अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, आज हम आपसे मिलाने जा रहे हैं अपनी न्यूज पर मशहूर टैरो कार्ड रीडर देव शर्मा जी से। देखते हैं उनकी भविष्यवाणी क्या कहती है आने वाले प्रधानमंत्री। अब ये न्यूज़ वाले चैनल वालों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, उन्होंने आपके रूल मुझे करने का मौका दिया और सारी टीम का भी। आपने पूछा कि हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो कौन बनने वाले हैं। देखिए, हम ज्योतिषी हैं और ज्योतिष के से ही बताते हैं, हमारा गणित है और हम किसी भी पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं रखते और ना ही हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं और हम सिर्फ ग्रहों के ही जरिए बताते हैं। और जो इस बार आपने पूछा कि कौन बनेगा, तो वो हम आपको ग्रह ना तो दस्ते हैं जी। इस बार मैंने देखा कि 6 महीनों से मैं देख रहा हूँ कि राहुल जी, प्रियंका जी, सोनिया जी और भी बहुत बड़े लीडर हैं और भाजपा के भी हैं और भी पार्टियों के हैं। जहाँ तक मैंने इस 6 महीनों में देखा कि सबसे अच्छे जो युवक हैं जो इस बार बाजी ले जाएंगे मारकर, वो हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। इस बार उनों की जो ग्रह दशा है उसमें जो ये जो समय ग्रहों का चल रहा है उसके मुताबिक जो लगन का मंगल है और साथ में भाव में शनि है, जब मंगल और शनि एक दूसरे को देखते हैं और एक ऐसे इंसान को पावर में लेकर आते हैं जो बहुत ही दृढ़ निश्चय से और आत्मविश्वास से और जिसकी आवाज में कट्टरता हो वो देता है बुध, और जिसमें बहुत ज्यादा सहनशीलता हो। और सहनशीलता को मतलब ये है कि लोग जो बोलते हैं वो क्या करते हैं, जो लोग उनको पत्थर मारते हैं वो अपना घर उन पत्थरों से बना लेते हैं, उनको मूड करने की एक बहुत अंदर पावर होती है। दूसरा ये है कि चौथे घर में जो जनता का घर है उसमें शुभ ग्रहों का प्रवास है और देखिए पिछले दिनों में जो ग्रह है वो वक्र भी हुआ है और जब रिजल्ट आएंगे वो अपने घर में पहुंच जाएगा। इससे ये भी पता चलता है कि जो एंटी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी ने आज तक जो काम किए हैं, जहाँ उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गलतियां की हैं, वो लोगों में बताने में मतलब या तो लोगों को अच्छे तरीके से समझा नहीं पाएंगे या लोगों के दिल तक वो चीज पहुंचाने तक नाकामयाब रहेंगे जो वो चाहते हैं, यही ग्रह इंडिकेट कर रहे हैं। अच्छा पंडित जी, जो इस बार सीटें आएंगी किस पार्टी की ज्यादा आएंगी और उत्तर प्रदेश और बिहार में आपका क्या? ठीक है जी, ये माना जाता था कि उत्तर प्रदेश में जिसकी सबसे ज्यादा सीटें आती हैं वही देश का प्रधानमंत्री बनता है, जिसकी ज्यादा सीटें आती हैं। लेकिन ये इस बार मुझे लगता है कुछ इससे उल्टा होने वाला है। इस बार जहां पश्चिमी बंगाल में ये रास्ता पश्चिमी बंगाल से निकलने वाला है, इस बार भाजपा की वहां 2 सीटें हैं लेकिन इस बार पश्चिमी बंगाल से 17 से ज्यादा सीटें लेगी भाजपा और टोटल 240 से ऊपर सीटें ले जाकर दूसरी पार्टियों से गठजोड़ करते हुए नरेंद्र मोदी जी आखिर बाजी मार ही जाएंगे। पंडित जी, जैसे आपका कहना है कि बीजेपी इस बार समर्थन पार्टियों के साथ आएगी। जी हाँ जी हाँ जी, अपनी सहयोगी पार्टियों के साथ आएगी। और लेकिन मैं आपको एक और बात भी कहना चाहता हूँ कि पिछली बार कांग्रेस जितनी सीटें लेके गई थी उससे ज्यादा सीटें इस बार लेके जाएगी, वो वजह होगी प्रियंका गांधी, क्योंकि जो लगन जो समय में प्रियंका गांधी जी की एंट्री हुई है वो जो पूर्व मनुष्य नक्षत्र था और 4 ग्रह स्वयं वक्र थे, उनकी इस समय की एंट्री ही कांग्रेस को एक नई दिशा देगी। और जितने लोगों ने जितनी उम्मीद कर सके की है पिछली टाइम में जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उससे आपकी कामना से ज्यादा ही सीटें अच्छी पोजीशन क्लियर करती हुई प्रियंका गांधी की वजह से कांग्रेस को मिलेंगे। सिमरत का पंजाब में पूरा विरोध है, आपको क्या लगता है सिमरत बठिंडा से सीट निकाल पाएंगी या नहीं? हाँ जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। इस बार यहाँ राजा बड़िंग और हरसिमरत खड़े हैं। राजा बड़िंग की जो ग्रह दशा है उसमें शुक्र में मंगल चल रहा है और तुला लगन है और इस समय जो मंगल है उनका चौथे हाउस में जो जनता घर में है वो बहुत शुभ दृष्टि में पड़ा है क्योंकि बृहस्पति की निगाह है, तो लोगों के दिल में इस बार वो जगह बहुत अच्छी बनाएंगे। और जो हरसिमरत जी हैं उनकी 6 लग्न की कुंडली है और लगन का जो मालिक है वक्र गति में पड़ा है, इसी वजह से उनका विरोध हो रहा है। लेकिन
राहु जो नौवें हाउस का है वो मिथुन राशि में उच्च का है, वो एक चमत्कार भी करता है। जितने लोग विरोध करते हैं, जितने लोग हमें लगता है कि दूसरे पार्टियों के हक में बोल रहे हैं, या ऐसे लोग लगते हैं कि आज वो विरोध कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जब रिजल्ट आता है तो हमें, जैसे एक बच्चा पढ़ता रहे, मतलब ना पढ़े सारा साल ना पढ़े, बाद में बदल दे वो तो पेपर में पास हो गया। तो कुछ ऐसे ही ग्रह हैं कि हो सकता है कि हरसिमरत कौर लास्ट में जब रिजल्ट आए आपको पता लगे कि हरसिमरत कौर जो है वो जीत हासिल करेंगे। अच्छा, आपके प्रोडिक्शन के मुताबिक हरसिमरत कौर बठिंडा से जीत रही है, और पंजाब की बाकी होर सीटों पर आपका क्या कहना है, जैसे सन्नी देओल आए हैं गुरदासपुर से? देखिए, सन्नी देओल जिस टाइम में एंट्री हुई है वो समय अच्छा नहीं मानते, उस समय जो शनि था वो वक्र चल रहा था और इसे शुभ ग्रह की निगाह नहीं थी। ये हो सकता है कि सन्नी देओल इस बार वाजी नाम आ जाए, और जाखड़ जी की ग्रह पोजिशन अच्छी है, जाखड़ से जीत सकते हैं। जी, आप फिरोजपुर सीट के बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी अनिल जी, ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा। फिरोजपुर सीट से इस बार जो मैंने देखे हैं, सुखबीर बादल जी इस बार वहाँ से सीट निकाल के लेके जा सकते हैं, और ये भी उनके योग बन रहे हैं कि इस बार हो सकता है कि सुखबीर बादल साहब केंद्रीय मंत्री बनने का भी योग प्रबल है उनका। पंडित जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार बीजेपी की कितनी सीटें हैं? बीजेपी की सीटें, क्योंकि बीजेपी की सीटें हम कैसे देखते हैं, क्योंकि प्रश्न कुंडली के अनुसार जब मंगल शनि और राहु त्रिकोण में आ जाते हैं तो प्लस प्लस हो जाता है। जैसे कि बृहस्पति है, जो बृहस्पति है इस टाइम, जो बृहस्पति की डिग्री देखे, दूसरे ग्रह की डिग्री देखे, उसकी पोजीशन के मुताबिक इस बार 240 से ऊपर सीटें जो हैं वो भाजपा की आएंगी, लेकिन बहुमत के लिए दूसरी पार्टियों का सहयोग चाहिए होगा, और लेकिन थोड़े से मुश्किल में जरूर आएंगे नरेंद्र मोदी। थोड़ी सी जैसे हम कहते हैं कि मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, लेकिन कामयाब हो जाएंगे सरकार। आपकी इससे पहले भी कोई प्रेडिक्शन आई है नरेंद्र मोदी जी? जी हाँ जी, मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ कि ये फ्रंट पेज पर मैंने 2013 में प्रेडिक्शन की थी कि नरेंद्र मोदी देश के अगले प्रधानमंत्री होंगे। तो जो ये प्रेडिक्शन है जी, ये देखिए मैं आपको सबूत दिखाता हूँ, ये देखिए जी कैमरा बॉक्स पे, 2013 में मैंने प्रेडिक्शन की थी नरेंद्र मोदी के बनने की, जो वाकई ही सच साबित हुई, और यहाँ तक कि मैंने बादल साहब की और प्रकाश सिंह बादल की प्रेडिक्शन भी की थी, जो सारी बातें सच हुई। अच्छा, प्रकाश सिंह बादल जी का नाम लिया आपने, इनका क्या भविष्य है आगे? जी बहुत अच्छी आपने अनिल जी बात की। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जितनी अकाली पार्टी है जो एक पावर पर खड़ी है, वो प्रकाश सिंह बादल की वजह से ही खड़ी है, क्योंकि जो उनकी ग्रह दिशाएं हैं, जो उनके योग हैं, जब तक भगवान को लंबी उम्र दे, जब तक वो हैं तब तक अकाली पार्टी के अकाली पार्टी हर प्रॉब्लमों से, हर दुखों से, हर कष्टों से और एलिगेशनों से उबरती रहेगी, और आगे भी उनकी रहनुमाई में जो इलेक्शन होंगे, दोबारा एक बार फिर अकाली सरकार रिपीट होने के आसार। अच्छा, आप ये बताना चाहेंगे कि राजा वड़िंग के कितने चांस हैं हरसिमरत के सामने खड़े होंगे? देखिए जी, राजा वड़िंग के तो इस समय की पोजीशन में क्लेम करके बहुत ज़्यादा चांस हैं, और रिजल्ट आने तक तो यही फेवर है कि राजा वड़िंग के ही ग्रह, हर सिमरत से ज़्यादा अच्छे ग्रह तो हर राजा वड़िंग के ही चल रहे हैं, लेकिन जो अकाली दल की प्रश्न कुंडली है और कांग्रेस की प्रश्न कुंडली है, उनमें सिर्फ जो कांग्रेस की उनमें उतरती हुई सारस्वती है, और जो अकाली है वो लगी हुई है, और शनि जो कांग्रेस की कुंडली में वो उसकी पोजीशन अच्छी नहीं है। पिछले दिनों में जो कांग्रेस ने इतनी सीटें जीती वो मंगल की वजह से थी, लेकिन मंगल इस बार फेवर में नहीं है, लेकिन जो राजा मणि की उनकी कुंडली में जीतने का योग है, लेकिन कहते हैं कि दोनों दरें अगर साथ हों तब सोने पर सुहागा होता है, और वो मुझे लगता है उस चीज़ का साथ ना मिलता है, कुछ सीटों से शायद इस बार राजा मणि रह भी सकते हैं। मैं ये थे प्रसिद्ध टैरो कार्ड रीडर देव शर्मा, जिनके मुताबिक बीजेपी की सरकार नहीं, इस बार साथी पार्टियों के साथ मिलकर बीजेपी सरकार बनाएगी। देखते हैं ये प्रेडिक्शन किस हद तक सही साबित होती है। नमस्कार, मैं अनिल कुमार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें।